हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ़ोन ख़रीदना है वो भी 15,000 के अंदर में, और कोई अच्छा सा फ़ोन ख़रीदना है, तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा बजट नहीं हो रहा है या आप इससे ज़्यादा का फ़ोन ख़रीद नहीं सकते हैं या ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो अगर 15,000 के अंदर आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो कौन सा फ़ोन ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा और जो अच्छा होगा और चलने में काफ़ी अच्छा होगा, मतलब हर एक चीज़ में बेस्ट होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन की क्वेश्चन कमेंट जो लिखेगा हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन ईजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। और जो कि है रेडमी नोट 5 प्रो, तो अगर हम रेडमी नोट 5 प्रो की डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके डिस्प्ले आती है हमारे पास 18.9 रेशियो की डिस्प्ले है इसकी। अगर हम बात करते हैं इसकी रैम की तो 4GB रैम है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज की तो स्टोरेज आपको मिल जाती है यहाँ पे 64GB स्टोरेज मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की तो प्राइमरी कैमरा है 12+5 मेगापिक्सल, और अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट है 20 मेगापिक्सल। तो अच्छा कैमरा हो सकता है, ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। अगर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो 4000 mAh इसकी बैटरी लाइफ। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको यहाँ मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर मिल जाता है। तो एक 15,000 के अंदर ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो इसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस आपको मिल जाता है यहाँ पे 14,000 मिल जाता है, तो मतलब कि 13,999 है, तो राउंड ऑफ 14,000 मान लेते हैं हम, तो 14,000 का इसका आपका प्राइस है। तो इसी हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा प्राइस में 15,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाता है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया मिल रही है। अगर हम बात करते हैं दूसरे फ़ोन की तो दूसरा फ़ोन जो काफ़ी टाइम कुछ टाइम पहले ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था MI का A1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे MI की A1 की रैम की तो रैम आपको मिल जाती है 4GB रैम मिल जाती है 64GB स्टोरेज के साथ। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो डिस्प्ले 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की तो, और जैसे कि आप जानती हैं कि कैमरे के मामले में ये फेमस हुआ था, अगर हम बात करते हैं कैमरे की तो कैमरा है इसका 12+12 मेगापिक्सल। अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट है इसका। अगर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो बैटरी लाइफ कम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है, इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है। तो बैटरी लाइफ की बात करते हैं 3080 mAh की बैटरी है इसकी। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है इसका। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो प्राइस है 13,999। तो अगर हम बात करते हैं अगले की तो अगला हमारे पास आता है रेडमी नोट 5। रेडमी नोट 5 की बात करते हैं तो अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इसकी रैम है 3GB रैम है 32GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाता है ये। अगर हम बात करते हैं कैमरे की तो इसका प्राइमरी कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। और अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आती है इसकी आपके पास 4000 mAh की बैटरी आती है, जो कि काफ़ी अच्छी चल सकती है। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको मिल जाता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिल जाता है आपको। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो 5.9 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है आपको। तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस यहाँ पे है इसका 9,999। तो इतने में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे आपको, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। तो अगर हम बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की तो अगला हमारे पास आता है Honor का 9 Lite। इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3GB रैम मिल जाती है 32GB स्टोरेज के साथ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके कैमरा की तो अगर हम बात करते हैं इसके बैक कैमरा की तो बैक कैमरा आपको मिलता है यहाँ पे 13+2 मेगापिक्सल कैमरा, और फ्रंट का भी सेम ही है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो बैटरी यहाँ पे आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी मिलती है आपको यहाँ पे। और इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे आता है हमारे सामने निकल के 13,999 इसके प्राइस है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है, आप इसको ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले फ़ोन की तो अगला हमारे पास आता है निकल के Lenovo का K8+। अगर हम बात करते हैं इसकी रैम की तो 3GB रैम मिलती है आपको, और यहाँ पे दो वेरियंट है आपके, 3GB रैम भी है और 4GB रैम भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्टोरेज की तो 32GB स्टोरेज के साथ आपको मिलती है ये। अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की तो 5.2 इंच की डिस्प्ले है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की तो कैमरा यहाँ पे 13+5 मेगापिक्सल बैक कैमरा है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं फ्रंट कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको। तो ये कुछ फ़ोन है जो कि 15,000 के अंदर आते हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं 15,000 के अंदर आपका बजट है तो अगर इन फ़ोनों को लेना चाहते हैं तो इन फ़ोनों को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं ये। इस टाइम पे काफ़ी चल रहे हैं, मार्केट में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इन फ़ोनों को ले सकते हैं। ऐसे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कोई क्वेश्चन कोई कमेंट जो लिखेगा हम उसका आंसर जोड़ देंगे।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन इजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बोलते हैं अपनी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।